सुदर्शन चक्र, त्रिशूल, यमदंड आदि अस्त्र किसने, कब और किस शक्ति से बनाए, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। साक्षात ब्रह्ममय है ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। निर्मल किरणों से सुशोभित पहले पहल अत्यंत प्रचंड और दूसरा था। इस सूर्य की प्रचंड रश्मियों यानी किरणों से पीड़ित हो सब लोग इधर उधर भागकर छिपने लगे। चारों ओर के समुद्र, बड़ी बड़ी नदियाँ सूखने लगे। मानव समुदाय भी शोक से आतुर हो उठा। ये देख इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए आराधना अथवा पूजा तो दूर, इनका दर्शन ही प्रलय काल की आग के समान है। इसलिए आप ऐसी कृपा करें कि सब मनुष्य सूर्य देव की आराधना कर सकें। देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ग्रहों के स्वामी भगवान सूर्य के पास गए। पितामह ब्रह्मा को आया देख सूर्य ने कहा, आप विश्व के स्वामी हैं, शीघ्र अपना मनोरथ बताएं, मैं उसे पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारी किरणें अत्यंत प्रखर हैं, लोगों के लिए वे अत्यंत असहनीय हो गई हैं। जिस प्रकार भी उनमें कुछ शीतलता आ सके वही उपाय करो। सूर्य ने कहा, वास्तव में मेरी कोटि कोटि किरणें संसार का विनाश करने वाली हैं। आप ही किसी उपाय द्वारा इन्हें खराद कर कम कर दें। खराद का मतलब होता है बनी वस्तुओं के बेडोल अंकों, सुडोल बनाने वाला एक यंत्र। तब ब्रह्मा जी ने सूर्य के कहने से विश्वकर्मा को बुलाया और वज्र की सान बनवा कर उसी के ऊपर सूर्य को आरोपित करके उनके प्रचंड तेज को छाट दिया। सान मतलब होता है गोल पत्थर के आकार का धार करने का यंत्र। उस छटे हुए तेज से ही श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र बनाया गया। अमोघ, यमदंड, शंकर जी का त्रिशूल, काल का खंडक तथा भगवती दुर्गा के शूल का भी उसी तेज से निर्माण हुआ। सूर्य देव की 1000 किरणें शेष रह गई और बाकी सब छाट दी गई। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो आपको जानकारी मिली, अगर आपको वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।